नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम 22 से लेकर 25 मई 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। या आप अगर आप चाहते हैं कि इसके ई नोट्स के रूप में भी पढ़ना और PDF भी डाउनलोड करना, तो वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे पढ़ भी पाएंगे और वहीं से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम जान लेते हैं हमारे कल के प्रश्न का उत्तर। हमारा ये प्रश्न था, गुजरी महल संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यह है ग्वालियर जिले में स्थित, और यह है गुजरी महल संग्रहालय। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है और 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी के इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, गुजरी महल संग्रहालय ये ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा रानी दुर्गावती संग्रहालय ये जबलपुर में स्थित है, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में स्थित है एवं तुलसी संग्रहालय ये रामवन जिला सतना में स्थित है। इसके अलावा राज्य संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एवं एमपी जनजाति संग्रहालय ये तीनों ही संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसके अलावा महाराजा छत्रसाल संग्रहालय ये छतरपुर जिले में स्थित है। ये इतने जो म्यूजियम है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी हाल ही में ही बैतूल में पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन भी किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। लेकिन अभी तक अगर आपने गौर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस पर आपको डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो मिला करेगी। यह हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कितनी पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है? हमारे ऑप्शन है 10, 12, 14 या 16। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मिला है 16 इकाइयों को। मध्य प्रदेश की 16 पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। यह अवार्ड अमेरिका की विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर के ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2022 के अंतर्गत दिया गया है। यह आप देख सकते हैं, इस पर माई जीओवी का ट्वीट भी है कि अमेरिका की विश्व विख्यात मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर ने मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य विकास निगम की 16 इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवल अवार्ड दिया है। एक और भी पोस्टर है कि मध्य प्रदेश की 16 पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स अवार्ड मिला है। और जो ये अवार्ड दिया गया है ये दुनिया के इसके अंतर्गत दुनिया के चुनिंदा 25 शहरों को चुना गया है। और ये जो लिस्ट है ये है मध्य प्रदेश के जो भी 16 पर्यटन इकाई है इनकी, इनमें भोपाल रेसिडेंसी है, बंगल जगीरा बाट है, बेतवा रिट्री ओरछा है, जंगल रिसोर्ट उदयगिरी है एवं सभी लिस्ट इसमें दी गई है, इसे आप PDF में पढ़ पाएंगे। यह हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले के धनंजय दुबे ने डे फ्लिपिंग्स खेलों की टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, ये जीता है ग्वालियर के। ग्वालियर जिले के धनंजय दुबे ने 24वें डे फ्लिपिंग्स 2022 के टेनिस पुरुष मुकाबले में डबल में रजत पदक जीता है और इस चैंपियनशिप का आयोजन ये किया गया था ब्राजील में। धनंजय दुबे ने डे फ्लिपिंग्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीता है और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मांगूभाई पटेल जी का भी ट्वीट है कि ब्राजील में हुए डे फ्लिपिंग्स 2022 टेनिस पुरुष डबल में ग्वालियर के धनंजय ने रजत पदक प्राप्त किया, इस पर इन्हें हार्दिक बधाई भी दी है। और ये है धनंजय दुबे, इस पर स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर का डिपार्टमेंट का ट्वीट भी है कि ग्वालियर के धनंजय ने जीता है रजत पदक। और मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री कौन है? ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। ये हमारा अगला प्रश्न है, राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। इस कंपनी के गठन के पश्चात परिसंपत्तियों को चिन्हित कर प्रबंधन का कार्य तेज किया
जा रहा है। या आप देख सकते हैं, इस पर हरिभूमि न्यूज का आर्टिकल है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य जहां राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं? हमारे ऑप्शन है 1449, 3450, 5450 या 7449। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 5449। मध्य प्रदेश में 5449 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में अभी 5638 अमृत सरोवर के लिए स्थल का चयन भी कर लिया गया है, बाकी में कार्य भी जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी 5449 पर निर्माण कार्य जारी है और जो ये अमृत सरोवर बनेंगे इनमें सिंचाई का उपयोग होगा, मत्स्य पालन होगा एवं सिंघाड़ा का उत्पादन भी किया जाएगा। और जो ये एक अमृत सरोवर होगा इसकी न्यूनतम भंडारण क्षमता 10,000 घन मीटर होगी। या आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बन रहे हैं 5449 अमृत सरोवर और नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत बिलहेरा जनपद पंचायत चावर पाठा में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। यह हमारा अगला प्रश्न है, प्रगति योजना में प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो हमारे ऑप्शन है अशोकनगर, छिंदवाड़ा, बैतूल या मुरैना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बैतूल जिला। प्रगति योजना में बैतूल जिला प्रदेश में अव्वल आया है और देश में बैतूल जिले के कौन सा स्थान मिला है? तो इसे मिला है 13वां स्थान। जो बैतूल जिले का शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है इसकी 52 छात्राओं का चयन किया गया है, कहां पर? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद योजना में, जो कि एक प्रगति योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। और विगत वर्ष भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल प्रगति योजना में प्रदेश में प्रथम आया था और इस बार भी बैतूल जिला ही इसमें प्रथम आया है। आप देख सकते हैं इस पर ट्वीट भी है कि प्रगति योजना में बैतूल फिर प्रदेश में अव्वल और देश में इसे 13वां स्थान मिला है। यह अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में ग्रेड ए के साथ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बालाघाट, नीमच और सीहोर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इसमें आया है छिंदवाड़ा जिला पहले स्थान पर, दूसरे पर बालाघाट है, तीसरे पर नीमच एवं चौथे पर इसमें सीहोर जिला है। राज्य शिक्षा केंद्र के एजुकेशन पोर्टल पर कक्षा पहली से आठवीं तक की शासकीय शालाओं के लिए जिलों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो छिंदवाड़ा जिला है इसने ए ग्रेड प्राप्त किया है और यह प्रदेश में पहले स्थान पर है, बालाघाट दूसरे पर एवं नीमच जिला तीसरे स्थान पर है। ये इस पर देख सकते हैं आप, इस पर पत्रिका न्यूज का आर्टिकल भी है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी जिलों की रैंकिंग में प्रदेश में छिंदवाड़ा ए ग्रेड के साथ पहले स्थान पर आया है और इसमें दूसरा बालाघाट, तीसरा नीमच, चौथा सीहोर, फिर नरसिंहपुर, दमोह, बैतूल, शाजापुर, शहडोल आदि जिलों को इसमें रैंकिंग मिली है और इसी में 50वें स्थान पर रतलाम, 51वें स्थान पर गुना एवं 52वें स्थान पर सबसे लास्ट में अलीराजपुर जिला आया है। यह हमारा अगला प्रश्न है, 10वीं राष्ट्रीय ICF सीनियर जूनियर ड्रैगन बोट चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है? हमारे ऑप्शन है जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में या ग्वालियर में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ये हुई है भोपाल में आयोजित। 20 मई से 22 मई 2022 को भोपाल में 10वीं राष्ट्रीय ICF सीनियर जूनियर ड्रैगन बोट चैंपियनशिप आयोजित की गई है और इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक एवं 5 कांस्य पदक जीते हैं। क्या आप देख सकते हैं इस पर स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट का ट्वीट भी है कि भोपाल में 20 से 22 मई को आयोजित 10वीं राष्ट्रीय ICF जूनियर ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 8 रजत एवं 5 कांस्य पदक जीते हैं और ये हैं मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट एकेडमी के खिलाड़ी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज तथा अस्पताल का भूमि पूजन किया गया है? हमारे ऑप्शन है सागर में, पन्ना में, उमरिया में या ग्वालियर में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ये किया गया है ग्वालियर में।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर के देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज तथा अस्पताल का भूमि पूजन किया गया है। इस पर जनसंपर्क विभाग का ट्वीट भी है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज का इसका भूमि पूजन किया है। ये मेडिकल साइंस भी है और इसमें अस्पताल भी है जिसका भूमि पूजन किया गया है। यह हमारा अगला प्रश्न है, इंदौर का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को। 31 मई 2022 को देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर स्वच्छता में सिरमौर इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाएगा और इस अवसर पर 25 मई से 31 मई तक सांस्कृतिक लोक कला साहित्य एवं खेलों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यह आप देख सकते हैं, इस पर माई जीओवी का ट्वीट भी है कि 31 मई को धूमधाम से मनाया जाएगा स्वच्छता सिरमौर इंदौर का गौरव दिवस और यह मनाया जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर। यह हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले की ईशानी पालनदुर्कर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है? हमारे ऑप्शन है छिंदवाड़ा, भोपाल, होशंगाबाद या सीहोर। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल की ईशानी पालनदुर्कर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है। यूएस में मास्टर इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की छात्रा ईशानी ने अंटार्कटिका में -15 से -18 डिग्री तापमान में तेज हवा और बर्फबारी के बीच जलवायु परिवर्तन, ओशियन पैटर्न पर पेगविन आदि के बारे में रिसर्च और ट्रेनिंग की है। ऐसा करने वाली यह मध्य प्रदेश की अकेली महिला है। ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्वान के नेतृत्व में 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के तहत 39 देशों के 150 से अधिक लोगों ने 12 दिन की यात्रा पर अंटार्कटिका पहुंचे थे और इनमें 18 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। क्या आप देख सकते हैं कि भोपाल की ईशानी पालनदुर्कर ने पूरा किया अंटार्कटिका अभियान। अब हम करेंगे 20 और 21 मई 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन। प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये किया गया है बैतूल में। मिशन नगरोदय के तहत दीनदला यशो योजना में विस्तार कर 56 केंद्रों से बढ़ाकर कितने केंद्र किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 100 केंद्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहां बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है भोपाल में। हाल ही में नर्मदा नदी की कितनी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो ये सिंचाई परियोजनाओं को मिली है 12 सिंचाई परियोजनाओं को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुक ऑफ वर्ल्ड कप T20 2007-2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है श्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये हमारा आज का प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल चुका है? हमारे ऑप्शन है 25 लाख, ये भी 25 लाख होगा, सॉरी ये 26 लाख होगा, 26 लाख, 49 लाख या 51 लाख। तो इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। तो ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।